मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो शुरू किया है। Alright guys, so आज है 18 जनवरी और आज है डे टू ऑफ द काशी यात्रा फेस्ट। और अभी जो आप पीछे आवाज़ सुन रहे हो और ये लोग जो बैठे हैं, इन लोगों का भी डांस कॉम्पिटिशन था, तो ये लोग अपना ऑडिशन राउंड जो भी था वो दे के आ रहे हैं। एंड देखना आप लोगों को, तो आप काम करो, आप वो देखो, देख के फिर वापस आओ, मैं यहीं पर मिलता हूँ आपको व्लॉग, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी आप देख के आवाज़ बहुत आ रही है। Started out with half and I flipped it into double. Said time again, we better go, go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah. Slicks around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get Coco. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitch is ready for them photos. It's a lot of things on my mind, yeah, yeah, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Oh, cause this shit is real. Oh, cause this shit is real. Oh, don't say you get money, boy, you been broke. Did you dash up in my circle, you can roll. Only catch up in my vision and the soul. Now I'm smashing on the model cause I bought. Hey, this is cream, I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam. I just got the dreams, I know what you mean. It's all funny to the feet, I get 50 to my G. Hey. बस एक बात तक हमें कि जो कल वाली वीडियो थी, तो इतने जो लोकल ट्रेन आए थे वो वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुई है और मैं कोई जगह ढूंढो जहाँ पर जाके मैं एडिट कर सकूँ, क्योंकि आज सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे, मुझे एडिट करने की कोई जगह नहीं मिली है। आई होप कोई कैफे या सीसीटीवी टाइप का कुछ मिल जाए कॉलेज में, मैं एडिट कर पाऊँ, एल्स वीडियो विल बी लेट। अभी तक वैसे आपको पता चली क्योंकि ये वीडियो जो है कल वाली वीडियो के बाद ही आएगी ऑब्वियसली, तो आई होप सो की जगह मिल जाए। आ रहा हूँ भाई, इसको इग्नोर करना है। ऑल राइट गाइस, अभी आपने देखा वो डांस परफॉर्मेंस था एंड उसके बाद अभी हम यहाँ बैठे हैं, पेट पूजा कर रहे थे एंड ऑल। देखो भाई, आज ज़्यादा इवेंट कुछ ऐसे सच मैंने कवर किए नहीं है बिकॉज वी आर सो टायर्ड, बट अभी क्या सीन है कि अभी रात को जाकिर खान आ रहा है, बट जाकिर खान में देखो सीन ये है ना कि जो कॉमेडियंस आते हैं उनका जो स्टैंड अप कॉमेडी होता है तो उसमें वी आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड स्टफ, सो देखते हैं, लेट्स सी रिकॉर्ड कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। अनइवन डीजे आ रहे हैं, ईडीएम नाइट भी होगा, देखते हैं आज का व्लॉग कैसा होता है। एज कम्पेयर टू यस्टरडेज व्लॉग, आज का व्लॉग इज लाइक, तो ठीक है फिर। अब आदमी को खाली छोड़ोगे तो सेक्स के बारे में सोचेगा ना। जी बिल्कुल, बहुत सही आया। खैर एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। ऑलराइट भाई लोग, सो अभी जाके मेरा वीडियो एडिट होके कंप्लीट हुआ है, शाम के 7 बज के 2-3 घंटे लग गए मेरे को सिटी में बैठ के एडिट करने में। एंड अभी सीन किया कि अभी जाकिर खान का इवेंट होने वाला है, जो 7 तो बज चुके हैं बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ऑब्वियसली लेट स्टार्ट होगा। एंड उसके बाद उससे पहले शायद या उसके बाद थोड़ा ईडीएम नाइट वगैरह है, तो उसमें भी कोई आ रही, सो फिलहाल सो लोग उधर बैठे हैं एंड यू नो फोन अपलोड हो रहा है, प्रॉब्ली आज रात को 9 बजे तक अपलोड होगा। सो आई एम सॉरी कि आज थोड़ा लेट अपलोड हुआ, कल वाल रहते थे ब्लॉग, आज थोड़ा लेट अपलोड हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस बस आगे चलते देखते, जैसा होगा यू विल गाइस नो। सो फार सो नॉट सो ग्रेट बट ओके। तो भाई अभी जो सीन है ना, अभी सारे कार्यक्रम हो चुके हैं ख़त्म, अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं घर की तरफ, लेकिन टेंशन मत लो, मैं बताने के लिए पहले आप देख लो ये जाकिर खान छोटी सी ग्लिम्स कि पूरा शो मैं रिकॉर्ड नहीं किया, मैं इन्जॉय कर रहा था वहाँ पर, उसके बाद वापस आओ फिर मैं बताता हूँ आपको। मज़ा आ रहा है अभी तो शुरू किया है। लगाएंगे
छोले नहीं बटोरे थे। या उसे भाई वो विदेश गई हुई थी, आधे घंटे में इंडिया आ गई। ऐसी बात कितने दिन चल सकती है? 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन? ऐसी गलतियां हीरा होती है सदा के लिए। जिनको इंस्टाग्राम पे तुमको फॉलो करना होता है, हे गाइस वाले, हे गाइस, सो आई हैव नाउ 10,000 फॉलोअर्स ऑन माय इंस्टा, सो फाइनली आई कैन हैव अ स्वाइप अप। ये वाले दोस्त अपनी भी नई नई बातचीत कहते, आई हैव बॉट अ न्यू हाउस, कम फॉर हाउस वार्मिंग पार्टी। न्यू हाउस मेरे को लगा होगा कोई भूमि पूजन वूजन टाइप का, अपने को तो वही आता है। पहुंचा फ्लैट निकला, वो भी 1 BHK। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को। एक दो शेर के साथ आप लोगों को छोड़ने जा रहा हूं। एक ऐसी बात है, एक शेर नहीं है, बस एक लाइन है, कहा है कि मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है। मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, विडंबना देखो वहां दवाइयां मिलती हैं। एक शेर कहा है कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है। और कहा है कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी में तो मैंने तुम्हें पास लिखा है। एक मतलब एक शेर का है कि बहुत मासूम लड़की है, बहुत 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 मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है जज्बात नहीं समझती। एक आखिरी शेर के साथ आप लोगों को छोड़ जा रहा हूं। कहा है कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, शबा खैर, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, थैंक यू। भाई देखो, आज तक मैंने जाकिर भाई को, जाकिर खान नहीं है वो सेलेब, जाकिर भाई हैं वो हमारे, उनको यूट्यूब पे टीवी पे देखा था। यूट्यूब पे देखना एक, आप क्रोनोलॉजी समझिए, यूट्यूब पे देखना एक चीज़ थी, बड़ी टीवी पे देखा 4K में और मजा आई, मतलब जो भी था क्वालिटी, 4K नहीं था, पता नहीं जो भी था, अरे आई एम व्लॉगिंग, हाँ तो बहुत मजा आई। फिर जब तीसरी मैंने लाइव देखा ना भाई को परफॉर्म करते हुए, मतलब वीडियो में रिकॉर्ड की, लेकिन जो लाइव देखने में मजा था ना, जो मैं एक्सपीरियंस, भाई अलग लेवल बंदा। और सबसे मजे की बात, भाई है छोटे शहर से, अपन है छोटे शहर से, कहानियाँ भाई इतनी सिमिलैरिटीज़, ऐसे लग रहा था भाई अपनी कहानी अपने जुबानी बता रहा है, बस इंसान कोई और है, और बताने का तरीका ऑब्वियसली है इज़ द टैलेंट। क्या क्या मतलब जाकिर भाई, आई नो आप तक वीडियो नहीं पहुँचे, लेकिन आप सके, अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रहा है, अगर ये पहुँच रहा है वीडियो और आपने देखा, जाकिर भाई तुसी ग्रेट हो। खैर उसके बाद हुआ अनइवन, कोई भाई साहब डीजे आए थे, नाम से जर्मन या रशियन लग रहे थे आवाज़ से भी उनकी, उन्होंने कैशी ऐसा करके बोल रहे थे वो, तो उन्होंने गाना बजाया, लोग नाचे वाचे, उसका आधे वीडियो मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो सिमिलर हो जाता, फिर तो देख लो थोड़ी सी ग्लिम्स उसकी भी।
और हाँ, तहे दिल से मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने लास्ट ब्लॉग पे ऋत्विज एंड लोकल ट्रेन वाले ब्लॉग पे अच्छा रिस्पांस दिया, एंड थैंक यू फॉर दैट। विद दैट सेड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात हुई कल काशी यात्रा डे 3 पे, एंड कल मिलते हैं। बाय।